हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। फिर आए एक नई वीडियो के साथ में। और अगर नए हो मेरे वीडियो पर तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का और वीडियो शेयर जरूर मार देने का और वीडियो को लास्ट तक बने रहने का। तो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ आज इधर का कुछ नया लोकेशन। मैं आज थोड़ा कंपनी से थोड़ा बाहर दूर आ गया हूँ घूमने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोग को भी कुछ दिखाता चलूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मतलब पूरा एक कंपनी एरिया है इधर में, पूरा रंबल है और कंपनी है। आप लोग देख सकते हैं जहाँ तक आपको नज़र दिखाई देगी, मतलब आपको कंपनी ही नज़र आएगी। कंपनी के अलावा कुछ भी नज़र आने वाला नहीं है, जो भी नज़र आएगा आपको कंपनी नज़र आएगी। तो गाइस इधर देख सकते हैं, ये भी पूरा कंपनी का एरिया है। और ये पीछे ये गाड़ी लगा है कोटिंग के लिए, माल आता है इधर में माल पूरा कोटिंग होता है। ये काफ़ी दूर है, एलेवन में है, एवन में। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां है, देखो अपना नंबर दे रखते हैं, आप लोग को दिखा दूँ, शायद दिख जाए यहाँ पर, कोशिश करूँगा। ये देखिए, जिस किसी को अगर जॉब की ज़रूरत हो तो आप लोग जा भी सकता है और देख भी सकता है। तो पूरा मतलब एवरीथिंग, मतलब जितना भी जगह पूरा कंपनी एरिया है। और जो लोग वहाँ पर बोलते हैं कि दुबई में मट्टी है कि नहीं है, तो मैं आप लोग को दिखाता चलूँ कि आप लोग यहाँ से इतनी जगह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है और बताने की क्या ज़रूरत है। और तो आप लोग देख ही सकते हैं, आपको वीडियो में पता चलता होगा कि यहाँ पे मट्टी है या ज़मीन है। और आज कोशिश रहेगी मैं तुम लोग को बराबर पूरा दिखाई। ये तो मतलब रास्ते का कचरा वाला माल हटाया गया है, बाकी अगर देखोगे तो पूरा तुम्हें रंबल ही दिखाई देगा। मतलब ये पूरा बालू है एक नंबर का, और बालू के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर दूसरा कुछ या खेती बाड़ी, यहाँ पे खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। और होएगा भी कैसे, ऐसे जगह में कैसे क्या पैदा होगा जब पानी नहीं कुछ नहीं, पूरा रंबल है, तो कैसे क्या पैदा होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये साइड भी आप लोग देख सकते हैं पूरा, मतलब ये अदरवाइज मतलब जितना भी जगह है ये पूरा कंपनी एरिया है। और यहाँ पर केवल कंपनियों है, बस लेबर के लिए काम के लिए जगह है। ये रूम जो छोटा छोटा दुकान खोलता है उनके लिए ये जगह पड़ा है, पर्याप्त है, यहाँ पर मिल सकता है आपको। जैसे आपको कोई छोटी दुकान खोलना या कंपनी छोटी डालना है तो ये देखो, ये पूरा लाइन वाइज है। तो यहाँ पर नंबर लेके कॉल करके आप डायरेक्टली मतलब आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। मैंने सोचा मैं आया यहाँ तक तो मेरे को ब्लॉग भी शूट करना ज़रूरी था, तो इसीलिए मैं ब्लॉग शूटिंग करने लगा। ये भी एक दुबई का ही जगह है, मतलब देहाती एरिया समझ लीजिए या कुछ भी आप बोल लीजिए। और यहाँ की लोकेशन कुछ इस टाइप की है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही है भाई। कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग को भी बराबर पूरा मतलब मैं दिखाता चलूं, कि जहाँ तक हो सके कि मैं आप लोग को कुछ अच्छा ही और लोकेशन और सही साइड दिखा दूं मैं। और यहाँ पर आप लोग देख सक, और गर्मी के कारण से भाई बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं सोचा वीडियो आप लोग को दिखाते चलूं, कि आप लोग भी देखना, आप लोग को भी ज़रूरी कहाँ मैं जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मेरा काम यही है आप लोग को दिखाना। तो प्लीज़ यार मेरे भाई, जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देने का प्लीज़। मुझे आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप मेरी वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं करोगे। और भी आपके लिए भी जानकारी है कुछ की, देखो आपको जब तक वीडियो नहीं देख रहे हो तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मतलब कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या चल रहा है। ये भी बहुत एक ज़रूरी है कि आप लोग अगर देखोगे कोई चीज़ को तो ही मतलब आपको मालूम चलेगा। जैसे मेरे वीडियो पे आप लोग को जितना भी नज़र आएगा, मैं गल्फ़ कंट्री का मेरा वीडियो पूरा होता है और मैं गल्फ़ कंट्री का ही लोकेशन दिखाता हूँ जितना हो सकता है मेरे से। मैंने तो मेरे एक दो ब्लॉग केवल इंडिया के, बाकी मेरे जितने भी ब्लॉग हैं मैं सारे ब्लॉग मेरे गल्फ़ कंट्री के हैं। और गल्फ़ कंट्री के ही मैं ब्लॉग बनाता ही हूँ, दूसरे में ब्लॉग में बनाता भी नहीं मैं। और कोशिश मेरी यही है कि मैं आप लोग को आगे भी वीडियो ना ऐसे ही देता रहूँगा। बस यही है कि आप लोग अगर सपोर्ट आप लोग भी करते रहोगे तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
और आज मेरा पहला दिन है दुबई में आके। छुट्टी का दिन था फिर भी मैंने कहा चलो घूम लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अपने यहाँ तो बारिश की वजह से इंडिया में टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ के हालात तो कुछ दूसरे टाइप के ही दिख रहे हैं यार। मतलब गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं सही दिख रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम है गर्मी की वजह से। तो गाइस वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी और वीडियो को मैं एंड करने जा रहा हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।